अगर हेल्दी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे ना, तो अभी इधर सब लोग को अपनी हेल्थ की केयर बहुत लेनी चाहिए ना, क्योंकि आप लोग सब लोग को एज इट इज हेल्थ के प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स भी रहते हैं और ये हेल्थ के साथ माइंड जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे, इट इज बॉडी माइंड एंड सोल। तो आज हम लोग एक आपके डॉक्टर है जो डॉक्टर मेहता को मैं शुक्रिया अदा करूंगी और सिस्टर को कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इतने सालों से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बीच में आके देख के भी गई थी शायद, आई डोंट नो वो फर्नीचर जो भी था, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक बार आके आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो मुझे पहले से शुरुआत करने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास अभी 24 घंटे यहाँ रहते हैं, पूरा दिन ना 24 घंटे रहते हैं, तो उसमें आपके मन में क्या चलते रहता है, कितने ख्याल आते हैं, और अगर ख्याल आते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? बोलो बोलो सतीश। कशी विचार येतात, सकारात्मक येतात की नकारात्मक येतात? ना ते असं वाटतं की मला बरोबर का झालं, मला विचार करून हवं लागतं, बाकीच्या लोकांना किती चांगलं आहे, बाकीचे लोक किती चांगले आहे, मी कसं वाटतं माझ्या बरोबर का असं झालं? हा मला काही जास्त ते विचारते ना मी आणखी काही कॅन्टकी फ्राईड चिकन म्हणून KFC म्हणून खूप फेमस जॉईंट आहे, त्यांच्या 100 कंट्रीज मध्ये त्यांच्या ब्रँचेस आहे, ते लोक चिकन वगैरे चिकनचं ते करतात। तुम्हाला माहिती आहे जो ओनर आहे ना मिस्टर कॅन्टकी, त्याला काय झालेलं, त्याने पॅराप्लेज अटॅक आलेला आणि त्याचं फक्त डोकं चालत होत, पूर्ण शरीर गळापासून खालपर्यंत, म्हणजे म्हणजे पूर्ण शरीर त्या गळेचं ते पेअर तर वो कुछ नाही करतात, सिर्फ बिस्तर पे रहता था, वो युरिन से नहीं पास कर सकता था, उसको टॉयलेट भी बिस्तर पे करना पड़ता था, सब कुछ बिस्तर पे करना पड़ता था, सिर्फ ये इतना भाग चलता था उसका, इतना ही, और उसने वो लाइन था। हम लोग तो पूरा दिन उठो भागो दौड़ो काम पे जाओ ये करो वो करो, उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि क्या करें, लेकिन जो भी उधर रहता है उसके पास 24 घंटा उसका दिमाग चल रहा था। तो उसने ये पूरा बिजनेस जो है उसने क्या किया, उसकी वाइफ और बच्चों को काम पे लगाया और बोला कि तुम लोग मुर्गी का ये करो कल्टीवेशन करो, फिर उसने वो चिकन का फॉर्मूला बनाया और सब उसने बैठे 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 वो बेड पे बैठे 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 150 कंट्री में इतनी सारी हजारों ब्रांचेस खोल डाल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपने पास वक्त होता है, वो वक्त का हम कैसे उपयोग करें, सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें, वो जो चॉइस है वो जो पावर है वो हमारे पास है ना? आज कितने सारे लोगों को बीमारी है, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लाचार है, उनके सर पे छत भी नहीं है, उनको देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, उनको मेडिसिन नहीं है, और आपको बीमारी है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट हमको भगवान का शुक्रिया अदा तो करना चाहिए कि आपके पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, आपके पास एक चर्च है, आपको ये सिस्टर्स लोग इतना देखभाल कर रहे हैं, आपको आप मेरे हिसाब से उसमें लकी वंस हो। अभी ये सोच है, हम क्या सोचते हैं, हमें नेगेटिव सोचना है कि पॉजिटिव सोचना है? जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी बीमारी बढ़ने वाली है, और जितने पॉजिटिव सोचेंगे उतना बीमारी से बाहर आने वाला। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास केयर है,
हाथ है, सब कुछ है, फिर भी उनकी जिंदगी दारू पी के खराब करते हैं, लोगों को मारते हैं, बराबर ना, और टेररिज्म करते हैं, क्या फायदा है उसका? हाथ पैरों का कोई फायदा है? हेल्थ का कोई फायदा है? नहीं फायदा है ना, बराबर लगे बात? हाँ, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो अपने शरीर के साथ हो गया उसके बारे में सोचने कोई फायदा नहीं है। अभी हम जो परिस्थिति में है उसमें खुश कैसे रह सकते हैं वो अभी हमको सोचना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो जो हर एक क्षण आपके पास एक चॉइस है कि आपको सुखी होना है कि दुखी होना है, और अभी हम लोग ने क्या किया है, वो दुख को हम लोग चुन रहे हैं, वी आर चूजिंग। आपण दुखी होण्याचं आपण हे करतोय, बरोबर की नाही? कि बाबा अशी आहे, माझी अशी आहे, आपण स्वतःला लाचार समजतो, तर जब भी हम लोग दुखी होते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को कम कर देते हैं और फिर बीमारी बढ़ जाती है। और जब भी हम लोग खुश रहते हैं तभी ऐसा होता है कि हमारी अंदर अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे हमारा रेजिस्टेंस और विल पावर बढ़ जाता है। ये बात समझ में आई सबको? तो अभी से हमें क्या करना है कि हमारे पास 24 घंटे टाइम है, ठीक है, और हमें शुक्रिया अदा करना है कि देखो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, वो शिकार करने गया, तो शिकार करने गया, उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था, प्रधानमंत्री के साथ गया था। तो वो लोग शिकार करने के टाइम वो लोग कैंप लगाते हैं ना, वो फायर करते हैं। तो वो राजा ने क्या किया कि वो भाजी काट रहा था, तो भाजी काटते काटते उसकी उंगली कट गई, तो उसका प्राइम मिनिस्टर जो था उससे निकल गया भगवान की मर्जी से, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते ना जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो भगवान में बहुत बिलीव करता था, गॉड में बहुत बिलीव करता था। तो राजा गुस्सा हो गया, बोलते अरे मेरी उंगली कट गई और तू बोलता है कि भगवान की मर्जी है, उसने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को उठा के कुएं में डाल दिया और फिर वो शिकार करने निकल गए। अभी शिकार करने के बाद क्या हुआ, वो जब शिकार कर रहा था तभी एक जो भील लोग है उसको पकड़ लिया राजा को, और फिर उसने ऐसा कर दिया कि उसको बलि चढ़ाने के लिए राजा को तैयार कर दिया। और फिर जब बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया तो जब वो जो पुजारी का मेन वो आया और देखा कि अंगूठा नहीं है, तो वो देवी कोपित हो रही थी, तो उसको छोड़ दिया, बोला अंग निकला तुमको नहीं ले सकते हमारा, और उसको छोड़ दिया। फिर राजा को समझ में अरे मेरा उंगली कट गया लेकिन मेरा जान बच गया, तो प्राइम मिनिस्टर सही बोला था, वो भगवान की मर्जी, तभी तकलीफ हुआ लेकिन मेरा जान तो बच गया। और फिर वो आता है और कुएं में से वो प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकालता है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि तू सही बोलता था, वो भगवान की मर्जी, मेरा उंगली कट गया लेकिन मेरी जान बच गई, लेकिन तेरा क्या हुआ, तू तो कुएं में पड़ा रहा, तेरे को पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। तो उसने क्या बताया कि मैं अच्छा हुआ तुमने मुझे कुएं में डाला, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ आता था, तुम तो बच जाते थे लेकिन मैं तो मुझे तो पकड़ लेते थे ना, तो मेरा भी बलि हो जाता था। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सब गवर्न करती है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके आंसर्स नहीं रहते हैं। ये दुनिया में जो भी मेडिकल नॉलेज है और ये जो भी हम लोग साइंस है उसका कोई तो डिजीज का नाम दे देंगे, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, डिप्लेजिया, लेकिन ये हमारे साथ क्यों हुआ, कोई वायरस का नाम दे देंगे, पोलियो वायरस है, लेकिन ये वायरस मेरे को ही आके क्यों अफेक्ट किया, क्या ये बीमारी मुझे ही क्यों, इसका कोई जवाब नहीं होता। तो ये जवाब को ढूंढने के लिए मैं बहुत, क्योंकि ऐसे डॉक्टर मुझे भी बहुत दुख होता है जब हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को तकलीफ हो रही है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जवाब को ढूंढते ढूंढते जो मैं पढ़ने लगी आध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में। आज मैं आपको कोई किताबें देने वाली हूँ जो मराठी पढ़ते मैं चाहूंगी कि वो पढ़े,
सबको गुरुचरित्र पता है, तो मैं आपको संक्षिप्त गुरुचरित्र भेंट देने वाली हूँ जो आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि हम लोग की जो आत्मा, एक अपन ने मन की बात की कि मन को खुश रखना है, सकारात्मक विचार करना है, हर एक क्षण अपना होता है, बराबर ना। एक अपन ने मन की बात की जिसका आरोग्य पे इफेक्ट होता है, और अभी दूसरी जो बात है वो है आत्मा की, सोल की बात करते हैं। तो ये आत्मा का जो शुद्धिकरण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्पिरिचुअल आध्यात्म है उसमें क्या है कि भाई हर एक आत्मा शरीर बदलते रहती है। जैसे आपको ये बात आप लोग ने भी पढ़ी रहेगी जो भी पढ़ते हैं, तो एक हर एक आत्मा अपना शरीर बदलते रहती है। तो चलो ये जन्म में हम लोग को डिफेक्टिव पीस मिल गया है, शरीर में थोड़ी तकलीफें आ गई, तो लेकिन भगवान हमें ये जो देता है, ये जो अर्थ जो पृथ्वी है, एक प्रकार की कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ आत्मा को कोई सीखने के लिए भेजा जाता है, हमें कुछ लेसन सीखना होता है उसमें से। तो अभी जब ये 24 घंटा आप लोग के पास है, तो आप लोग सोचो कि आपको क्या लेसन सीखना है, आपको खुश रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सोचा है? सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले आपको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी परिस्थिति में हूँ, अच्छा हूँ। सबसे बड़ा लेसन है, तो सबसे पहला लेसन है स्वीकार करना कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है ठीक है, अभी मैं इसके साथ कैसे जीने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक्सेप्टेंस जो फर्स्ट लेसन सीख रहे हैं, तो तुम्हारा जो सोल है, तुम्हारी जो आत्मा है, उसका प्रोग्रेस शुरू होता है। यू आर गोइंग फ्रॉम जूनियर केजी टू सीनियर केजी। ये अर्थ यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा को कोई लेसन सीखने के लिए भेजा है। तो पहला एक्सेप्टेंस हो गया, फिर तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या लेसन होता है, अपने अंदर सद्गुण पैदा करना। सद्गुण मतलब क्या होता है, मन को शांत रखना, खुश रखना, दूसरों को मदद करना। आप लोग कितना अच्छा काम करते हो, कार्ड्स बनाते हो, क्रिएटिव काम करते हो, सिस्टर ने लैब भी मुझे दिखाई थी, आप लोग अच्छा काम करते हो ना। तो अपने आप को ऐसे काम में एंगेज करना, बराबर क्या नहीं, सभी को देखना है कि कैसे भी हाथ पैर जो भी चल रहा है कैसे चला के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप प्रेयर से कर सकते हैं, विचारों से कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना है, मन से भी कर सकते हैं। तो अपने मन को हमेशा संतुलित रखना, उसमें सद्गुण करना, दूसरों के साथ प्रेम से रहना। अभी मुझे भी पता है कि छोटी जगह में आप लोग सब एक रूम में शेयर करते हैं, किसी की आदतें पसंद नहीं आती रहेगी, कोई रात को रोज हराटे जोर से मारता रहेगा, कोई कोई ऐसा बाथरूम में जाता रहेगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती रहेगी जिससे आपको बहुत तकलीफ होती रहेगी और गुस्सा भी आता रहेगा, बराबर ना। जब लोग साथ में रहते हैं ऐसा होता है, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें अच्छा नहीं लगता है, झगड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, एक दूसरे को मदद करना, तो ये सब सद्गुण है। ईमानदारी से रहना, सच बोलना, तो ये सब सद्गुण है, ये दूसरा लेसन होता है, बात समझ में। तो जितना आप अभी अपना टाइम पॉजिटिवली ये करेंगे, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं जो बोल रही हूँ आपको सही लग रहा है, क्योंकि आपको लगा रहेगा कि मैं हार्ट के डॉक्टर हूँ, तो आपके खुद तो आपको बड़ा बड़ा हार्ट का लेक्चर दे दूंगी। और देखो, हार्ट का प्रॉब्लम जो भी है, उम्र की वजह से हार्ट की नस में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है, फिर उनको ऑपरेशन बताया जाता है। तो मेरा मेन काम है कि मैं लोगों को ऑपरेशन से बचाती हूँ, जितना हो सके उतना दवाइयों से और नेचुरल तरीकों से हम हार्ट को ठीक कर सकते हैं, और हार्ट की डिजीज से बचने के लिए
माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जो भी आपकी लाइफ है आप अच्छा जी सकते हो, वो पावर आपके अंदर है. डॉक्टर लोग सिर्फ बाहर से आपको आके टेस्ट करके दवाई दे सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति है खुद को ठीक करने के लिए. वो शक्ति आपके अंदर भगवान ने दी है. और सबसे बड़ी शक्ति होती है मन की शक्ति. जैसे मैंने आपको KFC का एग्जाम्पल दिखाया, आप स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट से बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसको बहुत सारे अवार्ड इंटरनेशनल मिले, वो भी व्हीलचेयर पे घूमता है. अगर आपने नाम सुना रहेगा स्टीफन हॉकिंग. बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो व्हीलचेयर पे है, जिनका शरीर काम नहीं करता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव रूप दिया हुआ है. उनकी मन की शक्ति से उनके शरीर पे जो हो रहा है उसको उन्होंने विजय प्राप्त किया. तो मैं यही आखिर में कहना चाहूँगी कि पूरा जो दिन है आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा पढ़िए, दोस्ती कीजिए, अच्छा काम कीजिए, जो भी आपको पसंद हो कीजिए. उससे आपकी हार्टी नहीं सब बीमारी से दूर रहेंगे. और जो भी आपको अगर अभी बीमारी है उसमें से भी आप जल्दी बाहर आ जाए. ठीक है, ओके. आपका लंच टाइम हो रहा है अभी और मेरे वजह से आपको वी वॉन्ट टू लिसन मोर. ओके, वॉन्ट टू आस्क मी क्वेश्चन. मैंने आपका जो बताया उसके बारे में आपको कुछ पूछना है. Anybody here, Allah? Yes, yes. So, I will do 3 rounds of Om, then we will do Allah. So, with normal I say Allah, others can say Om, no problem. Anyone wrong? Your name is? Thomas. I mean Thomas, I do MN. So let's do this. And then after that, we will do little meditation. Okay? So what I will do is, after doing this Om chanting Allah and this, जब मैं अल्लाह बोल रही हूँ, मैं और मोहम्मद अल्लाह बोलेंगे. आप लोग ओम बोलना, जिसको भी मेरे साथ अल्लाह बोलना है वो लोग भी अल्लाह बोलेंगे. क्या उसको? ठीक है, जब मैं थॉमस के साथ एमएन बोलूंगी, जिसको भी बोलना है बोल सकते हैं. अल्टीमेटली ओम अल्लाह एमएन सब एक ही चीज है, सबका मकसद एक ही है, अपने को यूनाइट होना है. ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता शब्दों से. अभी वो होने के बाद हम आंखें बंद रखेंगे और मैं आपको थोड़े पॉजिटिव मैसेजेस देने वाली हूँ आपके दिन के बारे में. आप खुद को एक पॉजिटिव मैसेज क्या देंगे? ऑक्सीजन आपको ब्रीदिंग श्वास अंदर ली और बाहर छोड़ी, तो आपको ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो मैं आपको वो इंस्ट्रक्शन दूंगी. ठीक है, सब तैयार है? खाने से पहले 12 बजे सरदर्द भी करे इज द बेस्ट फॉर मेडिकेशन. शायद मैं इसके लिए थोड़ा मुझे ये हो गया. तो अच्छा, 12 बजे इज द बेस्ट टाइम. जब भी दिन चेंज होता है सुबह से दोपहर 12 बजे, सुबह 4 से 6 बजे और शाम को 6 से 7 बजे, दिस आर द बेस्ट टाइम्स फॉर मेडिटेशन. तो ये वक्त जितना मेडिटेट करेंगे आपके लिए अच्छा है. ठीक है, ओके, डन. तो लेट्स बिगिन. चालू करें, जोर से बोलो हाँ. भूख लगा है सबको. वो तो चल रहा है ना बॉस, पेट खाली अरे बॉस है सब लोग के पास, रिजर्व में इधर. ओके, तो शुरू करते हैं. आपके पीठ सीधी रखिए और आंखें बंद कीजिए. आपके मन लीजिए, लंबी सांस लीजिए. Oh.
लंबी सांस लीजिए, मैं अल्लाह बोलूंगी, जो बोलना चाहते हैं मेरे साथ बोल सकते हैं, लंबी सांस लीजिए। I'll speak Amen. Thomas can speak with me. Rest all also if they want. Amen. आंखें बंद रखिए और श्वास लेने की क्रिया पे ध्यान केंद्रित कीजिए। डोळे बंद ठेवा आणि श्वास घेण्याची क्रियावर ध्यान केंद्रित करा। श्वास आत कसं जातोय आणि बाहेर कसं येतोय, जसं तुमचा श्वास आत जातोय तसं तुमच्या शरीरामध्ये नवीन स्फूर्ती नवीन चेतना निर्माण होत आहे आणि सगळं आजारापासून मुक्त असं आपलं शरीर होत आहे। और जैसे आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं वैसे वैसे आपके मन के अंदर से जितने भी नेगेटिव विचार है, नकारात्मक भावना है, गुस्सा द्वेष राग, ये सब बाहर आप छोड़ दे रहे हैं। हर एक श्वास के साथ सब बाहर निकल रहा है। जैसे श्वास अंदर ले रहे हैं, ताजी हवा है, उसमें जो ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, उससे आपके हर एक शरीर के सेल्स को एक नई चेतना मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ऐसा महसूस कीजिए। और हर एक श्वास जो बाहर जा रहा है उसके अंदर से बाहर आपके सारे नकारात्मक भावनाएं, जो भी आपके दिमाग में जो आपको परेशान करती है, कोई याद का बाहर जा रही है। श्वास लेने की क्रिया को ध्यान दीजिए, श्वास अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अभी आप विचार करेंगे कि आपका जो पूरा दिन आपके पास जो है उसमें आप एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। आप सुबह दोपहर शाम मेडिटेशन करेंगे और मन में सकारात्मक विचार, खुशी के विचार, प्रेम के विचार, जो भी आप लोग सब लोग रह रहे हैं आपस में अच्छी तरह से रह रहे हैं, जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ेंगे लाइब्रेरी की बुक से, जो भी आप काम कर सकते हैं हाथों से वो काम करेंगे और अपने आप को खुश रखने की और स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। श्वास अंदर लीजिए और छोड़िए। अभी एक कल्पना कीजिए कि आप गार्डन में चांदनी रात में बैठे हैं और पूरा जो चंद्रमा है उसकी किरणें आपके शरीर पे आ रही है। वो ठंडी ठंडी जो किरण है वो आपके सर से अंदर जा रही है और पूरे शरीर को स्वच्छ करके पैरों से बाहर जा रही है। जैसी कल्पना कीजिए आपके शरीर के अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी आ रही है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है, जो भी शरीर के अंगों में वीकनेस है उधर जा रहा है। और आप ये जो किरण आपके शरीर में बह रही है उसमें पूरा स्नान कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हें आंघोल करता है, ये स्वच्छ पानी किरण आहे तुमच्या शरीरामधून प्रवेश करून पायाच्या खालून बाहेर निघते। सगळं
सभी लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने आपको इतना ध्यान किया, देखभाल किया। शुक्रिया अदा करना बहुत ही जरूरी है सब लोगों का, और ऊपर वाले का, भगवान का भी शुक्रिया अदा कीजिए और अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। अपने आप से कहिए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, जो भी हूँ, जैसे भी परिस्थिति में हूँ, मैं अच्छा हूँ। मुझे रहने के लिए छत है, दो वक्त का खाना है और इतने लोग मेरी देखभाल के लिए है, और जो भी लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपको तंग किया है, उन लोगों को माफ कर दीजिए। माफ करने से सेहत और अच्छी हो जाती है और मन और खुश हो जाता है। वो सब भावनाओं को पकड़ने में कोई फायदा नहीं। जैसे श्वास छोड़ रहे हैं उन सब लोगों को जिन्होंने आपकी जिन्होंने आपको परेशान किया है, छोड़ दिया है, आपको देखा नहीं है, जिसके लिए आपको गुस्सा है, सभी को माफ कर दीजिए। और जिन लोगों ने आपको सहारा दिया है, प्यार दिया है, आपकी देखभाल कर रहे हैं, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए। ये करने से बहुत मन की शांति मिलेगी। लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए और धीरे से आगे खोलिए। स्लोली ओपन योर आइज, स्लोली ओपन योर आइज। तो आप सोचो, अगर आपको अभी ऐसे 10 मिनट में इतना अच्छा लग रहा है, अगर आप रोज इसको करोगे, रोज 10-15 मिनट करोगे, तो आपको कितना फायदा होगा। हम तो करते हैं। वेरी गुड। तो जितना हो सकेगा उतना ब्रीथिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। आप चैंटिंग कीजिए, आप लोग भजन कीजिए, आप लोग सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए। मैं भी आपकी लाइब्रेरी को मैं भी किताब देने वाली हूँ। कई लोग अगर जो नहीं पढ़ सकते हैं, ये जो फोटो है उस पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप फिर सिस्टर को बताइए कि आपको कैसे अनुभव मिलते हैं, आपको और मैं और भी किताबें जो है मैं आपके लाइब्रेरी में दे दूंगी, हिंदी में, मराठी में, जितना पढ़ सकेंगे उतना अच्छा है। अभी आपने जो मेडिटेशन किया उसमें से मुझे अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है? आएगा तेंदुलकर भी आएगा। इधर वो पूरा क्रिकेट टीम को मिला नहीं, लेकिन